कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समेध शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। पंछी कहते हैं गगन बदला गए, पंछी कहते हैं गगन बदला गए, फूल कहते हैं चमन बदला गए, हकीकत ये है कि लास्त वही है, मात्र कफन बदला है। लास्त वही है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर करावे, प्यारी आई वैसे बीते पता नहीं पावे। ध्यान रखना, इंसान बदलता है उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, जरा सी ठोकर लगने से जिंदगी की राहें बदल जाती हैं, चाहें बदल जाती हैं। ध्यान रखना, हमारी जिंदगी क्या है? जिंदगी एक संभावना है। कुछ लोग कहते हैं हमें कर्म, जो कुछ कर्म दिखाएगा वो करेंगे। मैं कहती हूँ कर्म दिखाएगा नहीं, जो हम चाहेंगे वो होगा। हम रोज पढ़ते हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुमरन, हम पढ़ते हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुमरन, मैं राज संप्रदाया पदिंद्र का ना चाहूं। लेकिन विचार करना, या तो हम अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं या भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं। अतीत वो लाशें हैं जिन्हें याद तो कर सकते हो लेकिन रख नहीं सकते हो। रखोगे तो जिंदगी में बदबू आएगी, जिंदगी विषाक्त हो जाएगी, जिंदगी बहुत दुर्गंध देगी। वही हमारे जिंदगी में हुआ है। और अतीत तो आपकी स्मृतियां थी। हर बूढ़ा आदमी क्या कहता है, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना अच्छा था। लेकिन जब वो बच्चा था तो उससे भी पूछो, कहता था जल्दी बड़ा हो जाऊं। कहते बचपन में खोया गया, बचपन में पूछा गया सवाल, आज उत्तर मिल गया, क्या हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। लेकिन मैं कहती हूँ बड़ा मत होना, होना है तो भला होना, क्योंकि दो समय सहारों की जरूरत पड़ती है। जब तुम छोटे थे तो बुजुर्गों ने तुम्हें सहारा दिया था, जब बुजुर्ग बड़े हो जाएं तो तुम सहारा देना, क्योंकि सहारा दोगे। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें। मैं कहती हूँ कि भविष्य की ज्यादा कल्पनाएं मत करना, भविष्य वो अनचाहा कहना चाहिए, कल्पनाएं है, सपना है। माँ बहुत प्यार करे बच्चे को और 5 महीने की संतान उत्पन्न हो जाए जल्दी में, तो क्या होगा, ना तो माँ के लायक रहेगी ना स्वयं के लायक रहेगी। हम लोग मंदिरों में नारा लगाते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैं कहती हूँ जिस भी नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जगी खींच में एक गोरी मत भी सिरो करो, जैसे आयु जन्मुख बीच में एक क्षण भी व्यर्थ मत करना। हम लोग अभी 16 कारण चल रहे हैं, दरस विशुद्धि धरे जो कोई ताके आवागमन न होए। ध्यान रखना, आना भी बुरा नहीं और जाना भी बुरा नहीं। तीर्थंकर आते हैं तो 3 लोक में हर्ष छा जाता है। बुद्ध आए थे तो कहते हैं 3
जापान से कोई संत आए थे बुद्ध के घर पर, और बुद्ध का उसी दिन जन्म हुआ था। पिता से कहा कि मुझे दिखा दो, तो कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को लाए तो तीनों संत फूट फूट कर रोने लगे। उनके पिताजी ने कहा क्या हो गया, क्या अपशगुन हो गया कि आप इतनी दूर से चल कर आए और बच्चे को देखकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत तमन्ना थी कि ऐसी आत्मा की हम दर्शन करें, लेकिन दर्शन तो हो गए, ये तो सौभाग्य, हम चल कर आए थे, हमारी कामना पूरी हो गई, लेकिन ये कामना अधूरी रह गई। जब वो बोलेंगे तब तक हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखना, ऐसी कामनाएं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सिर्फ पवित्र भावनाओं का नाम है, लेकिन दर्शन विशुद्धि उसको परम पवित्र बनाने के भावनाओं का नाम है। हमें सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि घर में नहीं हो सकती है। उसके लिए योग्य पात्र चाहिए, योग्य स्थान चाहिए। इसलिए हम मंदिरों में आकर 16 कारण की पूजा करते हैं कि परमात्मा तुम प्रतीक हो, लेकिन हमारे लिए ऐसे ही हो, क्योंकि तुम भले पदार्थों की प्रतिमा बनी है, परमाणुओं से बनी है, लेकिन हमने तो तुम्हें परमात्मा माना है, क्योंकि घर में रहकर इतनी भी शुद्धि नहीं बन पाती है। वहाँ कसाई का, पाप का, वासनाओं का वातावरण है, आपके सामने आकर हमारा जीवन बदल जाता है। और ये सत्य मानना, घर में कितने भी आकुलता से आओ, यहाँ आते ही लगता है कि सर्व शांति मिल गई। सोचो सिर्फ यहाँ प्रतीक प्रतिमाएं, जब इतनी पंच परमेश्वरी के सिर्फ संस्कार अर्यंत परमाओं को संस्कार किए गए और इतनी शांति मिलती है, तो साक्षात परमात्मा के चरणों में कितनी शांति मिलती होगी। और सबसे बड़ी बात है कि भावनाएं, 12 भावना के लिए कहा है, वैराग्य पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। यदि तुम वैराग्य को उत्पन्न करना चाहते तो 12 भावना का चिंतन करना, लेकिन बेईमानी से मत करना, क्योंकि आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले गाओ वसंत के, लेकिन वसंत नहीं, जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहां जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। एक आदमी आया और कहने लगा, माता जी कोई वैराग्य अपना कल्याण हो इसके लिए कुछ बताओ। मैंने कहा 12 भावना का चिंतन किया करो और कुछ स्वाध्याय किया करो। दूसरी साल आया, हमने कहा भाई साहब करते हो कि नहीं, बोले दोनों काम चल रहे हैं। मैंने कहा बड़ा अच्छा आदमी, नहीं तो नियम लेके लोग तोड़ देते हैं। ध्यान रखना, एक रजिस्ट्रार पर, एक वकील पर, एक डॉक्टर पर भरोसा है, लेकिन परमात्मा की वाणी पर भरोसा नहीं है, जबकि इनकी वाणी अन्यथा नहीं होती है। तो मैंने बोला भाई सब क्या चिंतन चल रहा है, बोले बहुत अच्छी लगती है 12 भावना तो। मैंने कि क्या पढ़ते हो, बोले मैं तो पहली भावना में रम जाता हूँ। मैंने कि बताओ तो क्या करते हो, बोले बस पूछो मत। मैंने कि बता दो, हम सबको बताएंगे, वो लोग भी ऐसे ही चिंतन करेंगे। बोले जब मैं पढ़ता हूँ, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। बोले इसमें इतना रम जाता हूँ, बहुत आनंद आता है। मैंने कहा क्या चिंतन करते हो पढ़ते स्वयं, बोले सोचता हूँ राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन कहीं नाम नहीं आया कि गाड़ी में बैठने वाला मैं भी मरूंगा। इसलिए मैं तो आनंदित हो जाता हूँ। मैंने कहा बड़ा बेईमान आदमी है। अरे मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। तुझे तो आदत घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। हमारी जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, हमारी जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। क्योंकि जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है जो सबके हाथों में पड़ी होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है, किसी की सड़क पर, किसी की पलंग पर पड़ी होती है, किसी की बाजार पर, तो किसी की
चौराहे पर खड़ी होती है, जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है, किसी की जरा सी छोटी किसी की जरा बड़ी होती है, लेकिन ये हथकड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। हम सबको मौत में देखते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, करी स्वामी करी स्वामी करी स्वामी चिंतित और मरी स्वामी विस्मरित। तू करूंगा करूंगा चिंतन करता है, लेकिन मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन नहीं करता है। हम अफसोस में नहीं कहेंगे कि क्या जिंदगी मर जाते, हम मुस्काए से कहेंगे कि चाहे दो दिन की जिंदगी हो इसे सफल करके जाएंगे, इसमें बीजारोपण करके जाएंगे, इसमें मुक्ति का बीजारोपण करके जाएंगे। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई साहब एक जगह तो बेईमानी कर ली, अब स्वाध्याय करते हो कि नहीं? बोला करता हूं। मैंने कि किसका करते हो? तो बोला द्रव्य संग्रह का। मैंने सोची चलो अच्छा द्रव्य संग्रह का। मैंने कहा कौन सा अध्याय चल रहा है? बोले अध्याय तो पता नहीं विषय पता। मैंने कि विषय ही बता दो। बोला कि बृहद द्रव्य संग्रह चल रहा है। मैंने बोला बृहद द्रव्य संग्रह तो बताओ तो इसमें क्या चल रहा है? बोले आप समझे नहीं, बड़े पैमाने पर द्रव्य का संग्रह चल रहा है। कैसा स्वाध्याय चल रहा है? अपन लोग भी कुछ भी पढ़ लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बरसों पूजा करते हो गई, लेकिन पूजा कर कर हमारे अंदर में चोट नहीं लगे कि व्यर्थ है जीवन की भाग दौड़। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दो रोटी दो धोती तीन कच्ची जमी। तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आठ ठंडे आंख भीनी दिल में लेके रांधिया। तीन चीजें जिंदगी में लेके दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। तीन गज कच्ची जमी छोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम कटिया अंत में अर्थी पर पोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक अंग पर तीन मौसम ओढ़ता है आदमी। एक अंग पर तीनों मौसम अपनी देह पर तोड़ते हैं। एक अंग पर तीन मौसम ओढ़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर कि जिंदगी का सब कमाया मौत को छोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आतुरता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागरवाद जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह अव्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से गए है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आतुरता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों मुनियों गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00063, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500525, IFS कोड ICICI00002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड़ मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।